बड़े अदब से स्पीकर साहब, मेरी गुजारिश ये है कि कॉलिंग अटेंशन का जो रूल 89 है, और मेरी वज़रा साहिबान और अपोजिशन से भी गुजारिश है कि रूल्स ऑफ बिजनेस का सफ़ा नंबर 38, उर्दू में 38, और रूल 89, नो डिबेट ऑन द कॉलिंग अटेंशन के ऊपर इंटरफेयर करके कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता जब कंसर्न मिनिस्टर बात कर ले, ना उसके पहले ना उसके बाद में। और इसके बावजूद एक वॉयलेशन स्पीकर साहब मुस्तकिल हो रही है। लीडर ऑफ, मैं भी सिंध असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन रहा हूं, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन का यह इस्तेहकाक नहीं है कि वो जब दिल चाहे मन चाहे खड़े और जिस मौजू पे चाहे तकरीर कर ले, जब चाहे जिस करारदाद पे चाहे, जिस पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे चाहे बात कर ले, जिस मेंबर पे चाहे तनकीद का निशाना बना ले। लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब है वो रूल्स के साथ चले। मैंने एक दफा भी इस ऐवान में लीडर ऑफ अपोजिशन को ये रूल कोट करते हुए नहीं देखा। ये रूल है 288, एक दफा भी मैंने नहीं सुना कि लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े हो और कहें स्पीकर साहब रूल 288 के तहत मुझे आप अलाउ करें ताकि मैं जो है ना तमाम रूल सस्पेंड करके मैं अपनी बात करूं। खड़े हुए, आपने माइक खोला और बीच में शुरू। कॉल अटेंशन आईबीएम मेंबरान की, चार मेंबरान मौजूद हैं, आपने अपने मिनिस्टर का माइक बंद कर दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े हुए और मुझे तो आज तक ये नहीं पता चला कि खड़े होकर बात की क्या उन्होंने, और जो कॉल अटेंशन थी उसका मकसद तो दफन हो गया और उसके बाद पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो गई। तो मेरी गुजारिश है जब तक लीडर ऑफ अपोजिशन 288 का हवाला ना दे, उनका माइक ना खोला जाए, ये रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी है।